Hello to everyone, I welcome you all on abhimanyu IS YouTube channel. My name is Atul Dhiman and today we are going to cover important current affairs of first and second week of May of Haryana State. Right? So let's begin with this session. But before uh, this, I would like to tell you that Abhimanyu announced KI pcs HCS, and HASK State Civil Services exam batches. जहां पे बेस्ट uh, जो आपको ऑप्शन uh, ये है दैट यू कैन गेट द सेवन डेज फ्री ट्रायल आल्सो सो ये जितने भी बैचेस हमारे चल रहे हैं आप इनका सात दिन का ट्रायल ले सकते हैं लिंक इज ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो सो गो एंड चेक चेक आउट दिस पर्टिकुलर कोर्सेज यू विल बी गेटिंग द बेस्ट मेंटोरशिप एंड बेस्ट कंटेंट एंड इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर राइट सो गो एंड चेक दीज कोर्सेज राइट अब देखिए हम लोग फर्स्ट जो न्यूज़ है वो हम लोग देख लेते हैं कि कंट्री में पहली बार फर्स्ट टाइम एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है पायलट प्रोजेक्ट टू आइडेंटिफाई द टीबी है ना तो टीबी को आइडेंटिफाई करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है हरियाणा का हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है राइट right? अब लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट मोर कि क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है इस प्रोजेक्ट का ऑब्वियसली इस तरीके का जो पायलट प्रोजेक्ट है टी को आइडेंटिफाई करने के वो उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि सबसे पहले जल्दी से जल्दी किसी को भी टी के सिम्टम्स हैं तो उसको क्विकली आइडेंटिफाई किया जा सके ताकि आइडेंटिफाई करके उसका प्रॉपर इलाज हो पाए राइट right? क्योंकि पहले क्या होता था कि टी का जो टेस्टिंग होता था उसकी जो रिपोर्ट होती थी वो रिपोर्ट आपको अवेलेबल होती थी लगभग पाँच से छः दिन के अंदर अंदर बट थ्रू दीज पायलट प्रोजेक्ट्स अब क्या हो रहा है कि आप एक दिन के अंदर ही जो रिपोर्ट है वो आपको मिल सकती है एंड uh, आगे जो भी प्रोसेस होता है वो आप फटाफट फॉलो uh, कर सकते हैं नाउ द एजेंसी नेम इज IDDS ये एजेंसी जो है इस प्रोजेक्ट को प्रॉपरली uh, मॉनिटर कर रही है और जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कॉस्ट ऑफ दिस रनिंग दिस पायलट प्रोजेक्ट उसको बेयर कर रही है एक यूएस बेस्ड एजेंसी है जो uh, बेयर कर रही है ठीक है नाउ पहले क्या होता था पहले अगर uh, एक यू नो आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसेस जब शुरू होती थी टीबी को आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस जब शुरू होती थी तो उसमें अगर सौ लोग हैं तो सौ में से 60 परसेंट uh, ही uh, जो होते थे उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता था देवर कॉट ओनली 60 परसेंट रेस्ट जो होते थे वो कहीं ना कहीं उनके कम सिम्टम्स होते थे किसी ना किसी कारणवश जो होते थे वो पास आउट हो जाते थे वो दे गेट द नेगेटिव रिपोर्ट राइट तो बट देन ऑल्सो दे यूज टू हैव दैट सिम्टम्स थोड़े बहुत उनके सिम्टम्स होते थे तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे पहले इस सिस्टम के अंदर जो हो रहा था पहले सिस्टम इस तरीके से था जहाँ पे पूरा 100% परसेंट टी बी के जो सिम्टम्स होते हैं उनको पकड़ा नहीं जा सकता था ठीक है तो जब नहीं पकड़ा जा रहा है जो पकड़ में आ गया उसको तो बचा लिया है ना जो नहीं हुआ तो वो व्यक्ति जो है वो सोसाइटी uh, में जाएगा और वो ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट फैलाएगा ठीक है तो ये एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती थी पहले अब देखिए ये जो एजेंसी है आई एजेंसी इसने टाइप किया हुआ है थाईरो केयर लैब के साथ टू इंप्लीमेंट एंड मॉनिटर द होल पायलट प्रोजेक्ट राइट ये जो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं एजेंसी एंड थाइरो केयर लैब ये सर्वे करेंगे इन थ्री टू सिक्स मंथ्स के अंदर अंदर एंड उसके बाद क्या होगा ये पूरा प्रॉपर जो है रिपोर्ट बनाएंगे रिपोर्ट बना के ये भेजेंगे गवर्नमेंट को और फिर उसके बाद जो है अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है देन दिस प्रोजेक्ट विल बी स्टार्टेड अक्रॉस दी कंट्री राइट कि कितना कितना पायलट प्रोजेक्ट के अंदर आउटकम आया है कितनी इसकी पॉजिटिविटी रेशियो है और उस बेसिस पे जो है ये गवर्नमेंट फिर आगे जाके नेशनल लेवल पे आगे रिकमेंड करेगी एंड नेशनल लेवल पे इस प्रोजेक्ट को फॉलो uh, किया जाएगा राइट चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चरल सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर द सेफ्टी ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ मल्टी स्टोरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स राइट सो स्ट्रक्चरल सेफ्टी से रिलेटेड गाइडलाइंस जो है वो इशू की गई हैं फॉर द रेसिडेंट्स जो मल्टी स्टोरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में रहते हैं तो ये गाइडलाइंस किससे इशू की है ये गाइडलाइन इशू की है द अर्बन एंड विलेज प्लानिंग डिपार्टमेंट हरियाणा के जिन्होंने ये गाइडलाइंस को इशू किया है राइट तो लेट्स टॉक अबाउट मोर अबाउट दिस टॉपिक कि नई गाइडलाइन के हिसाब से जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है वो टाइम टू टाइम वो टाइम टू टाइम ऑडिट करेगी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ठीक है और वो टाइम टू टाइम थ्री टू फोर टाइम्स होना चाहिए ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग राइट चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर इन्होंने जो है रिलीज किया है स्ट्रक्चरल सेफ्टी गाइडलाइंस बुकलेट आल्सो जो प्रिपेयर किसने की है डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड विलेज प्लानिंग राइट ठीक है थोड़ा इसके बारे में और देख लेते हैं अगर बिल्डर जो है कोई भी कंस्ट्रक्शन बिल्डर है वो हाउस को सेल करना चाहता है अपने मन आ, के हिसाब से अपने जो प्राइजेस उसके स्टैंडर्ड सेट प्राइजेस उसके हिसाब से वो सेल uh, करना चाहता है तो उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो एकदम सही रहे अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस जो अभी इशू हुई है राइट right? अगर ये गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता देन दे आर हेवनली पिनलाइज्ड राइट तो उनको पेनल्टी पड़नी पड़ेगी एंड दे हैव टू पे अ लॉट ऑफ अमाउंट राइट So, ये जो डी टी सी पी है दैट इज द अर्बन एंड विलेज प्लानिंग डिपार्टमेंट इन्होंने गाइडलाइन इशू की है टू इंश्योर दैट द मटीरियल और डिजाइन जो है जो हाई राइज बिल्डिंग स्काई स्केपर्स जिनको कहते हैं उनमें इस्तेमाल किया जा रहा जाने वाला जो मटीरियल है डिजाइन है वो स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है एंड बिल्डिंग कोड को मीट कर रहा है स्पेसिफाइड बाई दी गवर्नमेंट अंडरस्टैंड सो ये क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक छोटा सा न्यूज है खेलो इंडिया मैस्कॉट एंड लोगो रिलीज किया गया आ, आ, जो फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पंचकुला हरियाणा के अंदर ठीक है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सेवंथ मे 2022 को मतलब हो चुका है ये ऑर्गेनाइज ठीक है और इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है इसको इनागरेट करने के लिए अनुराग ठाकुर जो so, uh, कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स हैं उन्होंने इसको इनागरेट किया सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैस्कॉट का नाम क्या है मैस्कॉट का नाम है धाकड़ ठीक है तो इसको आप याद रखिएगा नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है जो हरियाणा ने लॉन्च की है ई लर्निंग स्कीम अब ये जो ई लर्निंग स्कीम है ये कहाँ से शुरू हो रही है ये शुरू हो रही है रोहतक डिस्ट्रिक्ट से ऑफ द स्टेट ठीक है सो ई लर्निंग स्कीम को शुरू किया जा रहा है रोहतक डिस्ट्रिक्ट से अब ई लर्निंग स्कीम के अंदर है क्या क्या चीजें लेट्स टॉक अबाउट दैट राइट अब देखिए जो चीफ मिनिस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं इस स्कीम को उन्होंने इनग्रेट शुरू किया लॉन्च किया और साथ ही साथ इस स्कीम को लॉन्च करते करते इन्होंने इसी स्कीम का एक हिस्सा जो है प्रोविजन है दैट इज टू प्रोवाइड द टैबलेट्स टू द स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल तो ये भी इन्होंने साथ ही साथ काम शुरू कर दिया ठीक है सो ये जो टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी उस टाइम पर जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया बाई दी एम ऑफ हरियाणा हैज़ बीन हेल्ड एट हंड्रेड एंड नाइन्टीन लोकेशन इन द स्टेट अब ये वाई दिस इज ऑल बींग डन रीजन बहुत क्लियर है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्पेसिफिकली मैंशन किया गया है दैट जो लर्निंग है जो एजुकेशन है जो एजुकेशन है वो एजुकेशन ट्रेडिशनल तरीके से ना देते हुए इट शुड बी, इट शुड बी डिलीवर्ड विद टेक्नोलॉजी फुल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ किया जाना चाहिए बाय uh, 2030, 2030 तक जो इम्पार्ट इंपार्ट इम्पार्ट हो एजुकेशन दैट शुड बी इंपार्टेड बाय एडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजी राइट अक्रॉस द कंट्री सो हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही डिटरमाइंड है कि हम लोग ऐसे ऐसे स्टेप्स आगे उठाने वाले हैं सो दैट इसको जो है और ज़्यादा पुश मिले इस गोल को ऑब्जेक्टिव को और हम लोग जो टारगेट अचीव करने वाले हैं 2030 तक उसको हम लोग पहले ही अचीव कर ले बाय 2025, राइट right? तो इसके लिए प्रोसेस शुरू हो गई है टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं ये सारी चीज़ें दैट आर इन्वॉल्व ओके okay? इसी के अंदर हम लोग बात करते हैं हरियाणा पहला स्टेट है हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट टू अनाउंस टैबलेट्स फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ क्लासेस नाइन टू ट्वेल्थ ठीक है तो दिस इज ऑल्सो अ गुड प्रोग्रेस डन बाय द हरियाणा स्टेट हरियाणा स्पेंड्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इट्स बजट राइट ऑन द एजुकेशन सेक्टर सो इन इस साल जो है हरियाणा ने बजट के अंदर ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ का इनका बजट है जो एजुकेशन के लिए खर्च किया जाएगा एनादर वेरी गुड थिंग राइट ओके सो चीफ मिनिस्टर के हिसाब से गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेटअप टू टास्क फोर्सेस फॉर द एजुकेशन सेक्टर एक टास्क फोर्स काम क्या करेगी एक टास्क फोर्स काम करेगी स्कूल्स के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें बिल्डिंग्स बाउंड्री वॉल्स ब्यूटी सैनिटेशन पाथवेज वाटर टॉयलेट्स ऑफ द स्कूल्स तो इसका ख्याल रखेगी एक टास्क फोर्स और दूसरी टास्क फोर्स मेक श्योर करेगी कि जो फर्नीचर का प्रोविजन है और सारी कई सारी बोर्ड्स uh, का स्मार्ट बोर्ड्स भी है ग्रीन uh, बोर्ड्स भी हैं वो सारी चीजों का जो प्रोविजन uh, है उसको अकम्पलिश करेगी सेकेंड टास्क फोर्स राइट तो ये भी अनदर स्टेप जो है वो हरियाणा चीफ मिनिस्टर ने लिया रिसेंट डेज uh, में राइट right? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इज सेकेंड राउंड टेबल इन द कंटेक्सट ऑफ ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे हो, आ, आपको देखने को मिलेगा कुछ सालों के अंदर अंदर गुरुग्राम के अंदर गुरुग्राम हरियाणा के अंदर सो so, बेसिकली ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जो कहाँ पे हुई मुंबई के अंदर हुई किसकी चेयरमैनशिप के अंदर हुई चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी के चेयरमैनशिप के अंदर हुई एंड ही इन दिस कॉन्फ्रेंस वॉट वॉट आर द ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इस कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वेस्टर्स जो रियल स्टेट डेवलपर्स हैं रियल स्टेट के जो बड़े बड़े टाइकून्स uh, हैं उनको uh, उनको इन्फ्लुएंस करना ताकि आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जो है आप अपना जो uh, जो भी जो भी प्रोसेस uh, 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 है उस प्रोसेस को बेसिकली ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर भी लगाइए मतलब जो इंटरेस्ट है वो इस प्रोजेक्ट को भी Uh, इस प्रोजेक्ट में भी दिखाइए राइट सो उनको इन्फ्लुएंस करना ठीक है तो ज़्यादा से ज्यादा पैसा आए और ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट जो है वो अल्टीमेटली रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए गुरुग्राम के अंदर इसको सेटअप किया जा रहा है सो so, क्या है ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट विल बी डेवलप्ड अंडर द एजेस ऑफ किसके अंडर ये बन रहा है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोऑपरेशन राइट जो कि नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट की जो इस प्रोजेक्ट को टेक केयर कर रही है इस प्रोजेक्ट के थ्रू गुरुग्राम जो होगा दैट विल बी डेवलप्ड ए सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है ना सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के तौर पे उसको डेवलप किया जाएगा और ये जो नया प्रोजेक्ट होगा ये फोकस करेगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के ऊपर फ्यूचर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के ऊपर लो कार्बन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इजी लिविंग स्किल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल एंड क्रिएटिंग जॉब्स सो so, ये सारे काम जो है वो ये प्रोजेक्ट्स के द्वारा जो है यू विल सी थिंग्स हैपनिंग इन वन सेट गेट सेटअप राइट ओके नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हीकल्स स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर जो है इसको इनाग्रेट किया गया कहाँ पे? फतेहपुर विलेज इन न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा के अंदर ठीक है सो यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे नितिन गडकरी ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी इन्होंने इनोग्रेट किया है ये व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर जो कि एक रजिस्टर्ड है कहाँ पे फतेहपुर विलेज इन नो डिस्ट्रिक्ट में राइट वॉट एग्जैक्टली इट इज देखिए बेसिकली क्या है कि जो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई थी कुछ टाइम पहले ठीक है जो कि रिड्यूस करेगा आगे जाके पॉल्यूशन राइट right? क्योंकि क्या है कि पॉल्यूशन को कम करेगा एंड दूसरी बात क्या है कि इसको इसकी जो जैसे ही इसको स्क्रैपेज एक एक पंद्रह साल और बीस साल के बाद आपके व्हीकल का हेल्थ टेस्ट होगा हेल्थ चेकअप होगा अगर तो वो पास हो जाता है देन तो इट इज़ ऑल गुड अगर नहीं होता है तो उसको फिर स्क्रैपेज में कर दिया जाएगा कन्वर्ट और उससे क्या होगा उससे फिर नेक्स्ट डिमांड जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में व्हीकल्स की बनती जाएगी राइट right. दूसरी बात यह भी है कि इससे ये जो स्क्रैपेज की प्रोसेस से जब व्हीकल निकलता है तो यूल बी गेटिंग लॉट ऑफ बाई प्रोडक्ट्स कॉपर स्टील एल्यूमिनियम रबर प्लास्टिक ये सब चीज़ें जो कि ईजिली अवेलेबल होंगी थ्रू दिस प्रोसेस और जितना ज़्यादा व्हीकल पुराना होता है उतना ज़्यादा पोल्यूशन वो करता है राइट तो वो भी कम होगा राइट तो चलो हम लोग इसके अंदर जो मेन मेन पॉइंट्स है वो हम लोग देख लेते हैं जैसे व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है वो अनाउंस ही थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी 2021 में अब इस पॉलिसी के तहत क्या क्या इंपॉर्टेंट इज जो 15 साल से पुराने हैं राइट और जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं जो बीस साल से पुराने हैं दिल अ फिटनेस टेस्ट फिटनेस टेस्ट उनको पास करना पड़ेगा दोबारा से रजिस्टर कराने के लिए ठीक है So, ये जो फिटनेस टेस्ट होगा इट विल बी डन एट फिटनेस टेस्ट सेंटर राइट एंड ये जो फिटनेस टेस्ट व्हीकल्स का होगा इट विल बी डन ऑन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स राइट तो ये एक जो स्क्रैपिंग पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है राइट ओके सो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑब्वियसली एडवाइस कर रही है कि रोड टैक्स एक्जन मिलेगी कितना 25% परसेंट का एग्जम्पन मिलेगा प्राइवेट व्हीकल्स के लिए एंड अप फिफ्टीन परसेंट का एग्जम्पन मिलेगा फॉर कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइवेट व्हीकल्स के ओनर हैं या कमर्शियल व्हीकल्स के ओनर हैं इनको जो है ये अपना जो पुराना व्हीकल है उसको ये उनसे उनको बेच दे या उनको साइड कर दे और नया व्हीकल वो खरीदे ठीक है उससे ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेटर होती हुई दिखेंगी पोल्यूशन कम होगा उनका खर्चा कम होगा और अल्टीमेटली जो है वो गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा इस चीज़ से राइट right? जो स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट जो है वो व्हीकल मैन्युफैक्चरर से बोला जा रहा है दो शोइंग स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट बाय द व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स विल बी गिवन अ डिस्काउंट ऑफ फाइव परसेंट ऑन द टेकिंग द न्यू कार पांच परसेंट का उनको डिस्काउंट मिल जाएगा जब वो नई कार खरीदेंगे अगर उन्होंने स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट जो है वो दिखा दिया ठीक है अलॉन्ग रजिस्ट्रेशन फी ऑफ द न्यू व्हीकल राइट सो यूज ऑफ सच व्हीकल्स विल बी डिस्करेज बाय इंक्रीजिंग द री रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ व्हीकल्स फिफ्टीन ईयर एंड ओल्डर राइट तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी काफ़ी कोशिश कर रही है डिस्करेज किया जा सके आ, कि आप नया अपना जो पुराना व्हीकल है उसको चलाते रहें चलाते रहें चलाते रहें राधर देन दिस गवर्नमेंट इज़ इनक्रेजिंग द पीपल ओनर्स टू टेक द न्यू व्हीकल ठीक है न्यू व्हीकल लीजिए ताकि पोल्यूशन कम हो जाए ताकि वो जो स्क्रैपेज से जो बाई प्रोडक्ट्स निकले उनका इस्तेमाल किया जा सके और वो रीडली अवेलेबल हो मार्केट के अंदर राइट तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर डिस्कस की गई है क्लियर हो गया चलो सो दैट्स इट दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन आई होप यू लाइक दिस सेशन आप लाइक कीजिए एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड अगर कोई डाउट रहती है कोई क्वेरी रहता है तो आप डायरेक्टली कॉमेंट भी कर सकते हैं ठीक है सो थैंक यू